एक बात ध्यान दीजिए, जो फेल हुआ है, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कमाते हैं हम लोग, कहा करते हैं बच्चों का सेवा करते हैं, और सेवा करने उद्देश्य से इस बच्चों को हम लोग इंटर का, आर्ट्स का भी और कॉमर्स का भी। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए, क्योंकि इस समय मैं कोई ध्वनि घर से नहीं हूँ, मैं भी प्लेट मच कर तब यहाँ पहुँचा हूँ, और जब मैं प्लेट मच कर जब यहाँ पहुँचा हूँ तो हर एक प्लेट मचने वाला दर्द मैं जानता हूँ, हर गरीब का दर्द मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सबको हेल्प करता हूँ। मैं आज एक भी पुलिस लाइन, यही एक ऐसा रास्ता है, शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जो आदमी को आगे बढ़ा सकता है, यही एक रास्ता है जिससे कोई आदमी अपने लाइफ को बदल सकता है, यही एक रास्ता है जो बिहार अपने आप को बदल सकता है, और भारत का नाम आगे करना है, बिहार का नाम आगे करना है, शिक्षा को आगे बढ़ाइए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। के आज बिहार बोर्ड का एक तरह से 12वीं क्लास का जो रिजल्ट आया है, साइंस का आया है, 12वीं का, आर्ट्स का आया है, कॉमर्स का आया है, इसी बीच में हूँ पर बिहार के पश्चिमी चंपारण मसकवा चौक पर, और काफी यहाँ पर खुशी के लम्हा, एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो कि आप बताएं कि आपके कोचिंग का नाम क्या है और कितना परफॉर्मेंस अच्छा रहा। सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं जो आपके चैनल को देखने वाले हैं, सभी को धन्यवाद। मैं विपुल सर, और मेरा कोचिंग का नाम भी विपुल साइंस कोचिंग सेंटर नंबर वन। जी, नंबर वन इसलिए है कि हम लोग गरीब को हेल्प करते हैं, नंबर वन इसलिए है कि हम हर एक गरीब को मदद करिए, हम पैसा नहीं कमाते हैं, हम लोग कहा करते हैं बच्चों का सेवा करते हैं। जी जी। और सेवा करने उद्देश्य से इस पैसा बच्चों को हम लोग इंटर का, आर्ट्स का भी और कॉमर्स का भी, दोनों का हम लोग बैच चलाते हैं। तो आज का जो रिजल्ट आया है बिहार बोर्ड का, तो 12वीं का, आर्ट्स का और एक तरह साइंस का और कॉमर्स का, ओवरऑल थोड़ा अपना कोचिंग का परफॉर्मेंस बता दीजिए। सबसे अच्छा बात है, देखिए मेरा विश्वास सबसे अच्छा रहता है कि हर एक बच्चा निकले, और मेरे कोचिंग से सभी बच्चे फोर्ड हैं, और 400 प्लस 400, 397, 392, 345 इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, अभी यहाँ पर बच्चा लोग अभी नहीं है। अच्छा चलिए, तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से शिक्षा बिहार में कहीं ना कहीं चरमरा सी गई स्थिति है, उसका लगता है पंचर सा हो गया है शिक्षा, और कहीं ना कहीं आप जैसे टीचर जो है, जो कि 12 का या 10th का या टीचर एक तरह से कोचिंग कराते हैं तो रिजल्ट बेहतर होता है, तो ऐसी चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था को क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा दोष सरकार का, गार्जियन का है। सरकार का दोष यह है कि सिस्टम सही नहीं कर रहा है, और गार्जियन का दोष यह है कि अपने सोच को नहीं सही कर रहा है। हर एक बच्चा को कहे, अपने बेटा को कहे, अगर वो बच्चा को पीछे हो रहा है उसको हिम्मत दे कि तुम कर सकते हो, तुमसे हो सकता है, और कहीं भी चंपारण से लेकर बिहार तक कोई बच्चा है जो तैयारी करना चाह रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, दिक्कत में, हम लोग चैनल ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, मेरा संस्था ऑनलाइन के द्वारा भी पढ़ाया जाता है, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा पढ़े। आज मेरे पास सबका जो गाँव है, इस गाँव में मैंने बॉल लगवाना शुरुआत किया, जो जितना भी कमाता हूँ सब लाता हूँ। अब हम अपने कोचिंग के द्वारा कॉम्पिटिशन क्लास पैसा बच्चों को लाने वाले हैं, जिससे वो भी 99 रुपया में, वो भी 99 रुपया में। क्या कहेंगे, बेहतर भविष्य में तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है, तो क्या आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके तरफ से इतना इफोर्ट हो रहा है, क्यों? बहुत बहुत अच्छा सवाल, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए, हाँ बोलिए, क्योंकि इस समय मैं कोई ध्वनि घर से नहीं हूँ, मैं भी प्लेट मच कर तब यहाँ पहुँचा हूँ, और जब मैं प्लेट मच कर जब यहाँ पहुँचा हूँ तो हर एक प्लेट मचने वाला दर्द मैं जानता हूँ, हर गरीब का दर्द मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सबको हेल्प करता हूँ। मैं आज एक भी पुलिस लाइन, कल ढेर भी पुलिस लाइन। जी जी, शिक्षा के थ्रू बिहार में क्रांति आ सकता है, और क्या आप सोचते हैं कि शिक्षा ऐसा हो जो प्रोफेशनलिज्म यानी पैसा के हिसाब से जुड़े? और 12 के बाद तो बहुत सारे आप छात्र पूछते होंगे कि हमें कौन सा करियर में पढ़ाई करूं, क्या कौन सा करियर बनाऊं, तो बताते होंगे, सजेस्ट करते होंगे आप? देखिए, यही एक ऐसा रास्ता है, शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जो आदमी को आगे बढ़ा सकता है, यही एक रास्ता है जिससे कोई आदमी अपने लाइफ को बदल सकता है, यही एक रास्ता है जो बिहार अपने आप को बदल सकता है, और भारत का नाम आगे करना है, बिहार का नाम आगे करना है, शिक्षा को आगे बढ़ाइए, तभी हम लोग आगे बढ़ना करेंगे। तो अब अपने छात्रों को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी 12 का पास करने के बाद एक तरह से प्रोफेशनल कोर्स करना होता होगा? देखिए, इसमें अपने में विद्यार्थी को कहता हूँ कि तुम्हारा कौन सेक्टर में जाना है, जिस तरह तुम विषय लिए थे, एग्जाम दिए, अब तुमको बनना क्या है, पूरा भी उस पर दो, ना कि हमको ये करना है वो करना है, उस तरह उलझना नहीं है, पहले एक चीज पर आप ध्यान दें, उसको ध्यान देने के बाद उसको पूरा फोकस करें और खूब मेहनत करें। जी जी, देखिए, हम इतना जानते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं
कुछ भी नहीं, आप बहुत पीछे हैं। हाँ। तो दस गो आदमी, दस गो कामयाब आदमी का हाँ। आप सिर्फ कॉपी और पेस्ट करिए ना तभी कामयाब हो जाएगा। अबे जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट डिविजन लाए हैं, डिस्टेंशन से पास पास हुए हैं, जो कोई फेल हो गया है उसे क्या आप सजेस्ट करेंगे? सबसे तो एक बात यह है कि हमारे कोचिंग से बच्चा फेल नहीं हुआ। नहीं कोई एज ए जनरली तौर पर। हाँ देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जो फेल हुआ है असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। ये है मोटिवेशनली एक तरह से वक्तव्य, एक बात रिमार्क्स है, टीचर हैं ये कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह से मोटिवेट करते हैं। अगर कोई भी जैसे कि मैट्रिक हो या 12 के एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाता है, लेकिन जिस तरह से अपने आप को सुधारने की जरूरत है और गुरु कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, तो ऐसे गुरुओं को धन है जो कहीं ना कहीं जो एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। अगर तमाम की प्रोसेस रिजल्ट में कहीं अगर स्टूडेंट्स कोई फेल हुआ होगा बाहरी या कहीं भी, तो उसे इन्हें ये मोटिवेट कर रहे हैं। बहरहाल आप जामिया वाले देखते रहे पब्लिक न्यूज, मैं मुमतस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिकटा ब्लॉक के बैसखवा चौक।